इस फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास गर्लफ्रेंड तो थी, पर उसे देखकर उसका छोटा चेतन कभी भी खरा ही नहीं हो पाता था। पर एक दिन उस लड़के को अपनी ही टीचर से प्यार हो जाता है। फिर क्या होता है, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है बॉय बेस्टोस। फिल्म की शुरुआत एक कैथोलिक स्कूल से होती है, जहाँ सिस्टर सिंड्रेला सभी स्टूडेंट को बायोलॉजी पढ़ाने में लगी हुई थी। उन्हीं स्टूडेंट में से एक था फेलिक्स, जो कि सिस्टर सिंड्रेला की हेंटाई वर्जन वाली कार्टून बनाने में लगा हुआ था। इससे पहले कि फेलिक्स अपना काम पूरा कर पाता, उसके दोस्त उसकी ड्राइंग को छीन लेते हैं और एक दूसरे को दिखाकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इवेंचुअली वो कार्टून सिस्टर सिंड्रेला के हाथों में लग जाती है, जिसके बाद फेलिक्स को अपने हाथों से पूरी की पूरी बाइबल लिखने की सजा सुनाई जाती है। लेकिन फेलिक्स को हेंटाई की लत कैसे लगी, ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। एक बार की बात है, जब जियो नाम की कोई कंपनी नहीं हुआ करती थी, तब फेलिक्स और उसके दो छिछोड़े दोस्त लेनो और जोय अश्लील मैगजीन्स को देखकर हाथगाड़ी चलाया करते थे। एक दिन लेनो मार्केट से कुछ घपाघप की सीडी लेकर आता है, जिसमें से एक थी हेंटाई 2D कार्टून वाली। फेलिक्स ने उस रात पहली बार हेंटाई वीडियो देखकर हिलाया था, जिसके बाद वो हेंटाई कैरेक्टर का फैन हो गया। फास्ट फॉरवर्ड हम फेलिक्स को उसके दोस्त के साथ स्कूल के कैंटीन में लेक्चर मारते हुए देखते हैं। तभी जोय की नजर निकिता नाम की एक हॉट लड़की पर पड़ती है, जो कि अपने बड़े बड़े कद्दू की वजह से पूरे स्कूल में फेमस थी। लेनो कहता है कि निकिता के ही जलवे हैं, अगर एक बार दबाने मिल जाता तो मजा आ जाता। इतने में ही टॉम नाम का एक मोटा सांड फेलिक्स के पास आता है, जिसे देखकर फेलिक्स और उसके दोस्तों की फट जाती है। उन्हें लग रहा था कि टॉम निकिता का बॉयफ्रेंड है और अब वो तीनों को पीटने वाला है, पर टॉम फेलिक्स से काफी ज्यादा इम्प्रेस था, क्योंकि हेंटाई कार्टून वाली बात उसे भी पता चल गई थी और वो फेलिक्स के पास उसकी धुलाई करने नहीं बल्कि उससे अपनी क्रश की हेंटाई कार्टून बनवाने के लिए आया था। कुछ देर बाद हम फेलिक्स की गर्लफ्रेंड कैथी को देखते हैं। कैथी से मिलते ही हर बार फेलिक्स का फूल मुरझा जाता था, ऐसा क्यों होता है यह हम आगे जानेंगे। कैथी फेलिक्स को अगले हफ्ते अपने बर्थडे पर आने के लिए इन्वाइट करती है और कहती है कि मेरे बर्थडे पर हम दोनों खूब घपाघप करेंगे। यह सुनकर किसी भी लड़के के चेहरे पर मुस्कान आ ही जाएगी, पर फेलिक्स के तोते उड़े हुए थे। ये देखकर फेलिक्स के दोस्त उसे खोपचे में ले जाते हैं और पूछते हैं कि तू गे है क्या। फेलिक्स कहता है कि तेरा दिमाग तो ठीक है। तब जोई पूछता है, फिर तूने कैथी के साथ करने से इनकार क्यों कर दिया, जबकि तुझे तो खुशी के मारे अभी मैनफोर्स लेने फार्मेसी जाना चाहिए था। तब फेलिक्स बताता है कि वो एक वर्जिन है और उसने हाथगाड़ी चलाने के अलावा आज तक कोई दूसरा काम नहीं किया है। फेलिक्स के दोनों दोस्त उसके दुख को समझ चुके थे, क्योंकि वो दोनों भी एक वर्जिन ही थे। फेलिक्स जोई से पूछता है कि यार ये घपाघप करने और हाथगाड़ी चलाने के बीच कोई डिफरेंस है क्या। जोई कहता है कि मुझे क्या पता, लेकिन मैंने व्हाट्सएप में पढ़ा था कि घपाघप करने में हाथगाड़ी चलाने से ज्यादा मजा आता है। रात को घर पहुंचते ही फेलिक्स को भूख लग जाती है, पर भूख से ज्यादा उसे हाथगाड़ी चलाने का मन कर रहा था, इसलिए पास ही में पड़े स्प्रिंग रोल में अपने हथियार को डालकर धनाधन फेलिक्स हाथगाड़ी चलाने लगता है और सारा सोच स्प्रिंग रोल में ही भर देता है। उसी वक्त उसकी आंटी वहां आ जाती है, जो कि काफी भूखी थी, और आते ही वही स्प्रिंग रोल उठाकर खाने लगती है, जिसके अंदर फेलिक्स ने अपना 100% प्योर सॉस डाला हुआ था। आंटी को वो रोल बहुत पसंद आता है और वो फेलिक्स से उस सॉस की रेसिपी पूछने लगती है, जिसका जवाब फेलिक्स के पास नहीं था। एक दिन स्कूल जाते वक्त फेलिक्स की नजर एक सुंदर सी दिखने वाली लड़की पर पड़ती है कि तभी एक चोर उस लड़की का पर्स छीनकर भाग जाता है। फेलिक्स उस चोर को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, पर थोड़ी कंफ्यूजन में आकर फेलिक्स के हाथों से उस लड़की का शर्ट फट जाता है, जिसकी वजह से उस लड़की के भोपू बाहर आ जाते हैं। फेलिक्स उस लड़की को अपना जैकेट देकर वहां से निकल जाता है और बाद में पता चलता है कि वही लड़की फेलिक्स की न्यू बायोलॉजी टीचर कैथरीन थी, जिसने उसी दिन फेलिक्स के स्कूल को ज्वाइन किया था। रात में जब फेलिक्स डिनर कर रहा होता है, तब कैथरीन उसके घर पर आती है, जिसे फेलिक्स की आंटी ने ही इन्वाइट किया था। दरअसल कैथरीन शहर में नहीं आई थी और वो फेलिक्स की मॉम की फ्रेंड की बेटी थी, इसलिए फेलिक्स की आंटी ने कैथरीन को फेलिक्स के साथ उसके घर पर रहने के लिए बुला लिया था। आंटी के जाने के बाद कैथरीन फेलिक्स से रिक्वेस्ट करती है कि वो स्कूल में ये बात किसी को ना बताए कि वो फेलिक्स के घर पर उसके साथ रह रही है, नहीं तो स्टूडेंट्स अनसंड बातें बनाने लगेंगे। रात में जब फेलिक्स सोने की एक्टिंग कर रहा होता है, तब कैथरीन उसके कमरे में आती है और फेलिक्स उसके साथ घपाघप करने लगता है। घपाघप करते करते सुबह हो जाती है और फेलिक्स की नींद खुल जाती है। पता चलता है कि बेचारा सपना देख रहा था, पर क्या फेलिक्स का यह सपना सच हो पाएगा या नहीं, जानने के लिए वीडियो में बने रहें। वीकेंड आ चुका था और कैथरीन अपने एक फ्रेंड के साथ कहीं बाहर घूमने जा चुकी थी। उसी दिन कैथी का भी बर्थडे था, पर गिफ्ट वो फेलिक्स को देने वाली थी, इसलिए कैथी फेलिक्स को एक ओयो में ले जाती है। लेकिन आज की रात फेलिक्स के छोटे चेतन ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उठूंगा नहीं इस साला।
कैथी फूक मारकर फेलिक्स के छोटे चश्मे को उठाने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता है। लास्ट में कैथी के हाथों में दर्द शुरू हो जाती है, पर फिर भी फेलिक्स का छोटा चेतन खरा नहीं होता है। हार कर कैथी को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है, जिसके बाद फेलिक्स मुंह लटकाए हुए अपने घर चला जाता है, जहां कैथरीन शराब के नशे में धुत पड़ी हुई थी। फेलिक्स कैथरीन को अपनी ओयो वाली कहानी सुनाता है, जिसे सुनने के बाद कैथरीन अपनी हंसी रोक नहीं पाती है और फेलिक्स से पूछती है कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम था क्या, इसका मतलब तुम वर्जिन हो। और वो फेलिक्स को वर्जिन वर्जिन कहकर चिढ़ाने लगती है। एक दिन दोबारा टॉम फेलिक्स के पास हेंटाई बनवाने के लिए आता है, और इस बार वो कैथरीन की कार्टून बनवाने फेलिक्स के पास आया था। ये देखकर फेलिक्स की फट जाती है और वो कहता है कि आज नहीं, आज मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं कल बना दूंगा। ये सुनकर टॉम कहता है कि तुम हाथ गाड़ी ज्यादा चलाते हो ना, इसलिए तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, वो चलाना बंद कर दो और शाम तक मुझे मेरा काम करके दे दो। फेलिक्स भी एक अजीब सी उलझन में फंसा हुआ था। वो जिससे प्यार करता था उसको देखकर उसका खरा ही नहीं हो पाता था, और जिसे वो प्यार नहीं करता था उसके सामने आते उसका छोटा चेतन खरा हो जाता था। लेकिन कैथरीन भी काफी अपसेट थी, क्योंकि वो जिससे प्यार करती थी उसका चक्कर किसी और लड़की के साथ चल रहा था, और फेलिक्स को भी ये बात पता थी। एक दिन छिछोरा टॉम क्लास में कैथरीन की हेंटाई कार्टून को लीक कर देता है, जिसे फेलिक्स ने ही ड्रॉ किया था। पर फेलिक्स की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उस दिन कैथरीन अच्छे मूड में थी और वो फेलिक्स को पनिशमेंट देने की जगह उसकी जम के तारीफ करती है। रात में जब कैथरीन और फेलिक्स डिनर कर रहे होते हैं, तब जॉय और लेनो वहां आ जाते हैं, और उन्हें पता चल जाता है कि कैथरीन फेलिक्स के घर पर उसके साथ ही रह रही है। इस बात से उन दोनों को काफी जलन होने लगती है, क्योंकि फेलिक्स के पास गर्लफ्रेंड भी थी और कैथरीन जैसी हॉट टीचर भी। जॉय कहता है कि हमें तो एक बार भी घोड़ी पर चढ़ने का मौका नहीं मिला, और ये जनाब है कि घोड़ी पर से उतर ही नहीं रहे हैं। तब कैथरीन फेलिक्स और उसके दोस्तों को एक नाइट क्लब में ले जाती है, जहां वर्जिन्स का स्वैग से स्वागत हो रहा था। वहीं पर सेलिना नाम की एक बार डांसर जॉय और लेनो की खातिरदारी में लग जाती है। इधर फेलिक्स कैथरीन को बताता है कि वो और कैथी जल्दी ही रीमैच करने वाले हैं, पर उससे डाउट है कि अगर इस बार भी अगर उसके छोटे चेतन ने खड़े होने से मना कर दिया तो वो कैथी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तब कैथरीन कहती है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे करना है, और अगले ही सीन में हम दोनों को बेड पर बैठे हुए देखते हैं। कैथरीन फेलिक्स को कुछ टेक्निक सिखाती है, जिसकी मदद से वो कैथी को चरम सुख देने में कामयाब हो जाता है। पर एट दी एंड वो कैथी को बता देता है कि वो असल में कैथरीन से प्यार करने लगा है, और जब ये बात कैथरीन को पता चलती है तब वो भी फेलिक्स से अपसेट हो जाती है। पर कहीं ना कहीं कैथरीन भी फेलिक्स को लाइक करने लगी थी। इधर बायोलॉजी टीचर भी वापस आ चुके थे, और अब कैथरीन भी स्कूल से जाने वाली थी। इस बात से फेलिक्स का देवदास मोड ऑन हो जाता है। अगले दिन स्कूल में सभी को पता चल जाता है कि कैथरीन फेलिक्स के घर पर रहती है, और इसी वजह से कैथरीन को स्कूल से निकाल दिया जाता है। दरअसल स्कूल में यह बात किसी और ने नहीं बल्कि कैथी ने ही फैलाई थी, क्योंकि फेलिक्स ने कैथरीन की ही वजह से उससे ब्रेकअप कर लिया था। शाम को मार्केट में घूमते घूमते फेलिक्स की नजर एक सीडी वाले की शॉप पर पड़ती है, जहाँ कैथरीन की MMS वीडियो चल रही थी। उस वीडियो में कैथरीन अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही थी, जिससे ब्रेकअप की वजह से कैथरीन के बॉयफ्रेंड ने इंटरनेट पर डाल दिया था। फेलिक्स कैथरीन को ढूंढता हुआ अपने घर आता है, पर वहां पर भी कैथरीन का कोई अता पता नहीं था, और उस MMS के बारे में फेलिक्स की आंटी को भी पता चल गया था, जिसके बाद वो तरह तरह की बातें बनाने में लग गई थी। कई दिन बीत जाते हैं पर कैथरीन की कोई खबर नहीं मिलती है। सो एक रात दुख में डूबा हुआ फेलिक्स शराब पी रहा होता है कि तभी अचानक कैथरीन उसके कमरे में आ जाती है। कैथरीन गुड बाय कहने आई थी, क्योंकि वो हमेशा के लिए शहर छोड़कर जाने वाली थी। इस बात से फेलिक्स को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगता है। कैथरीन फेलिक्स को चुप कराने के लिए उसे किस करने लगती है, और इवेंचुअली दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। सुबह जब फेलिक्स की नींद खुलती है तब तक कैथरीन वहां से जा चुकी थी। अब इस बात को 2-3 साल बीत चुके थे और फेलिक्स अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका था। उसने शादी भी कर ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी वो कैथरीन को मिस कर रहा था। इसी के साथ इस फिल्म का दी एंड हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।